कैसे हैं आप सब? आई होप सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। सो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट ट्रेडर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको अगर भी किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको भी ट्रेड करने का इंटरेस्ट है, या आप किसी प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रेडिंग करते हो, या आप पहली बार ट्रेडिंग करना चाहते हो, या आपने कभी आज तक लाइफ में ट्रेडिंग की नहीं है, या फिर आप ट्रेडिंग करते तो हो बट वहाँ पे आपका ना ही तो प्रॉफिट होता है ना ही तो लॉस होता है। आप या तो ट्रेड अप लेते हो या तो डाउन लेते हो, अप लेते हो डाउन लेते हो, बस यही किया करते हो। कहीं लॉस होता है कहीं प्रॉफिट होता है, कहीं लॉस होता है कहीं प्रॉफिट होता है, बस यही चर्चेस आपकी लाइफ में चला करता है। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि एक सही ट्रेड को पिक करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। आप बिल्कुल सही से ट्रेड किस टाइम पर पिक करनी है, कहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए, कहाँ पर नहीं लेनी चाहिए, इस चीज़ का बेसिक नॉलेज आपको नहीं होता है। दोस्तों, अगर ऐसी कोई सी भी प्रॉब्लम आपके बीच क्रिएट हो रही है, सो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाले हैं जो कि 100% बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जितना भी बड़ा ट्रेडर है, जितना भी VIP ट्रेडर है, जितना भी बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर लेता है ट्रेडर, बेसिकली मैं खुद एक ऐसे अच्छे इंडिकेटर्स का यूज करता हूँ जिसका नाम है EMA इंडिकेटर, एक्सचेंज मूविंग एवरेज। जितना भी बढ़िया ट्रेड होता है सारा का सारा इस इंडिकेटर का यूज़ करता है। दोस्तों, क्या होता है कि ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारे इंडिकेटर्स यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सारे इंडिकेटर्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। बाय लक क्या होता है, कभी भी आपका अगर बेड लक होता है और आप अगर ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करते टाइम पे आप जैसे कि ट्रेड कर रहे हो, आपकी जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो, अगर आपका दिन कोई अच्छा नहीं गया, अगर आपकी ट्रेडिंग में थोड़ा कुछ गड़बड़ होने लगा, आप जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हो वो स्ट्रेटजी आपके साथ नहीं जा रही, अगर विपरीत जाने लगी, तो आप किसी अदर साइड के इंडिकेटर्स का यूज़ करके आप वहाँ से अपना लॉस रिकवर कर सकते हो और प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो में बने रहिएगा, अभी मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आप EMA इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी में अच्छी अच्छी इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहता है आपकी ट्रेडिंग के लिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पर अपने चार्ट के ऊपर हम लेके आते हैं EMA इंडिकेटर को लेके आते हैं, और ये रहा देखो आपका EMA इंडिकेटर सेकेंड नंबर पे, और इसको हम सिंपली ले लेते हैं, ऐड टू चार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, इसका जो कलर है वो येलो है, कोई बात नहीं, हम बैक जाते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग करके आपको बताते हैं कैसे ट्रेड ली जाती है। दोस्तों, मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल बैक करके आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बेसिकली ये किस तरह से वर्क करता है। सो दिस, आइए देखिए समझिए क्या होता है कि आपका जो EMA इंडिकेटर है ये क्या करता है, मार्केट के विपरीत वर्क करता है। थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको, मार्केट के अगेंस्ट चलता है। क्या होता है इसमें कि अब यहाँ पर से आप देखो, जब यहाँ पर से कैंडल स्टिक को क्रॉस करके आपकी EMA इंडिकेटर लाइन नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, समझ रहे हो, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तब यहाँ से मार्केट भी अपवर्ड है। ठीक है, ये बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है। और थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ, आप देखते हो कि जहाँ पर ये आपकी जो येलो कलर की लाइन दिख रही है, जहाँ पर ये ऊपर होती है वहीं पर मार्केट नीचे आ जाती है, मतलब इस लाइन के अगेंस्ट ही रहती है। अगर लाइन ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और लाइन अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो मार्केट भी नीचे आएगी। इसी तरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो देख रहे हो कि हम नीचे नीचे पीली कलर की पट्टी ऊपर जा रही है, और उसी तरह से मार्केट भी ऊपर ही रह रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं, और यहाँ पे आप फाइनल देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से जिस तरह से जा रही है मार्केट अच्छे तरीके से बुलिश चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे चेंजमेंट हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे ही ये कैंडल स्टिक को एक्सपायर करके कट करके ऊपर निकल गई है यहाँ पर, वहीं पर से आपने देखा कि मार्केट डाउन हो गई है, और कंटिन्यू मार्केट देखो ये डाउन यहाँ तक आई है, और उसके बाद यहाँ पर से आपने फिर से देखा कि फिर से एक बार ऊपर की ओर जैसे ही आपकी येलो कलर की लाइन चली है तो मार्केट भी वहाँ पर अपवर्ड हो गई है। और क्या हुआ है कि
काफ़ी थोड़ी दूर तक ऐसे हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड मत लेना कभी भी, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी जितना भी बढ़िया वीआईपी ट्रेड होता है वो कभी भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे आप देखो जैसे ही मार्केट की जो इंडिकेटर जो है जो वो ऊपर है, तो यहाँ पर मार्केट डाउन आई है और यहाँ तक इस तरीके से डाउन आई है। उसके बाद क्या हुआ है, फाइनल फ्यूचर का अभी तक ऊपर ही है लाइन और मार्केट डाउन कंटिन्यू आ रही है। और अब यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो किस तरह से अभी तक थोड़ा यहाँ पे ऊपर गई थी मार्केट, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर गई और फाइनली ऊपर नहीं जा पाई मार्केट और यहाँ पर से मार्केट डाउन हो गई। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पे ट्रेड करने का। आई होप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, और ये बहुत ही सरल तरीका भी है ट्रेड करने का। और आपको ट्रेड करना बेसिकली आना चाहिए कि किस तरीके से ये वर्क करता है, क्योंकि हर एक इंडिकेटर के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर होने के नाते। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि क्या हो रहा है कि जब लाइन को क्रॉस करके जब ऊपर निकल गई है, तब यहाँ पर आप बिल्कुल श्योर हो एक डाउनवर्ड ट्रेड लेने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो ट्रेड 3 मिनट के टाइम पीरियड के साथ में यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेड ले ली है, क्योंकि मैंने देखा है अभी कि यहाँ पर क्या हुआ था, अभी तक ऊपर थी, अब यहाँ भी अभी भी ऊपर है, लेकिन क्या हुआ है कि वहाँ पर से मार्केट उस लाइन के नीचे आ चुकी है। अब मार्केट जब लाइन के नीचे आ चुकी है तो यहाँ पर हम बिल्कुल शेयर हैं और बिल्कुल मुझको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है। बट यहाँ पर टाइम पीरियड का बहुत बड़ा मेंश्योर रहता है, जैसे कि आपने देखा कि मैंने 3 मिनट का टाइम पीरियड लिया। आप 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट के लिए भी जा सकते हो, बट यहाँ पर 1 मिनट और 2 मिनट की ट्रेड नहीं ली जाती है, क्योंकि इस इन दिस सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा करेक्ट होने में टाइम ले, मार्केट को करेक्ट होना पड़ता है, मार्केट थोड़ा सेट होती है, उसके बाद में ही वो अपना एक रूप दिखाती है। ये कोई ट्रेड नहीं है कि तुमने कोई आप बाइक नहीं चला रहे हो कि आपको जिस तरफ मुड़ना है आपने तुरंत बाइक को मोड़ दिया और तुरंत मुड़ गई, ये सिस्टम इसका नहीं होता। ये थोड़ा टाइम लेती है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, उसके बाद में इसमें करेक्शन एक अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप में ग्राफ पे मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, और अभी भी आप देख पा रहे हो कि मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो कितना बढ़िया यहाँ पे इंडिकेटर वर्क करता है। दोस्तों अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा यार, और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी इंटरेस्टेड वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों देख रहे हो मार्केट में करेक्शन टाइप का हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट 2 मिनट की ट्रेड लेता तो अभी तक मेरा लॉस हो चुका था, बट मैंने 3 मिनट का टाइम पीरियड इसलिए लिया क्योंकि अभी भी 2 कैंडलस्टिक एक्सपायर होने बाकी हैं। एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप 1 मिनट की ट्रेड लेते हो तो 2 कैंडलस्टिक एक्सपायर होती हैं, 2 मिनट की लेते हो 3 कैंडलस्टिक होते हैं। मैंने 3 मिनट की ट्रेड ली है तो यहाँ पर 4 कैंडलस्टिक एक्सपायर होंगी उसके बाद ही दोस्तों। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट मुझे कुछ निगेटिव रिजल्ट देखे जाएगी। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजमेंट मनी का जो मैनेजमेंट होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉस को रिकवर करने के लिए भी आपको एक तरीका पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने 1000 डॉलर की मैंने दो ट्रेड ली थी, अब मैं यहाँ पर 1600 डॉलर की मैं ट्रेड लूँगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे लॉस हो सकता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी भी इसमें टाइम पीरियड देखते हैं कितना टाइम पीरियड अभी भी इस ट्रेड में बाकी है, क्योंकि अभी 24-26 सेकेंड्स का टाइम अभी बाकी है इन दोनों ट्रेड में, देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे रिज़ल्ट हमको निगेटिव मिलने वाला है, बट वेट करेंगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत करेक्शन चल रहा है मार्केट में और यहाँ पर हमने 2 मिनट की दो अपवर्ड ट्रेड ले ली हैं 1600 डॉलर की, देखते हैं क्या होता है। मैंने 2 मिनट की ट्रेड ली है इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे लगा है कि यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स बैक करेगी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 मिनट की एक और अपट्रेड ले ली मैंने, और मैं अब देखता हूँ क्या होता है, यहाँ पर देखता हूँ क्या लॉस रिकवर हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्या होता है फाइनली अभी आपके सामने आता है जो भी कुछ होता है। और अगर ये भी मैं ट्रेड लॉस करता हूँ तो आई डोंट केयर, मुझ पर कोई
फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ पे, मुझे पता है ट्रेडिंग करना, मैं बहुत आसानी से अपना जो लॉस है उसे रिकवर कर लूँगा। और दोस्तों, अगर मैंने वो पहली वाली ट्रेड अगर 4 मिनट के लिए होती या 5 मिनट के लिए होती, तो वो बेसिकली हम प्रॉफिट करते। और मैंने जो यहाँ पे अभी 2-3 ट्रेड ओपन की हैं, इसका मुझे लॉस होता दिख रहा है। देखते हैं भाई, थोड़ा और वेट करते हैं। ये मार्केट थोड़ा वोलेटाइल चल रही है। GBP USD का चार्ट थोड़ा करेक्शन में चल रहा है। मैं किसी दूसरे चार्ट को यहाँ पे देख लेता हूँ और आपके सामने भी मैं अपने ट्रेड को लेके आता हूँ, अपने लॉस को रिकवर करके भी दिखाता हूँ आपको, और देखते हैं क्या होता है। थोड़ा अभी इसी ग्राफ पे हम देखते हैं क्या होता है फाइनली। 2 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे $2,000 की ट्रेड, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा अभी और वेट करेंगे, थोड़ा और वेट करेंगे। और ये डाउनवर्ड ट्रेड मैंने ले ली है यहाँ पर, और 2 मिनट की $2,000 की मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड ले ली है। देखते हैं क्या होता है भाई। बहुत ही फ्लक्चुएशन इस मार्केट में चल रहा है, और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इन दिस केसेस में, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी ट्रेड लेता नहीं हूँ, बट वीडियो में हूँ तो मैंने ट्रेड ले ली हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉस हो चुका है। देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, मैं किसी दूसरे चार्ट पे जाता हूँ, तब तक वहाँ पे देखता हूँ क्या हो रहा है। मैं UR USD पे जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ क्या हो रहा है, वहाँ पे देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। उसके बाद में मैं UR USD पे आ चुका हूँ। GBP USD और UR USD दोनों सेम लगभग चार्ट चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर मार्केट बुलिश होने वाला है। अब मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा 2, और 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, मैंने 5 ट्रेड यहाँ पे ले लिए हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ में, क्योंकि मुझे लॉस रिकवर करना है। आप देख पा रहे हैं मेरी यहाँ पे 7 ट्रेड चल रही हैं, 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, वेट करना पड़ेगा थोड़ा। और अगर मैं ये भी ट्रेड हारता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं लॉस को रिकवर करने के लिए प्रेफरेबल हूँ। इतना ज़्यादा अकाउंट में बैलेंस है, मैं इस लॉस को रिकवर कर सकता हूँ। बट आपको दोस्तों हमेशा अपने अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस रखना है और एक छोटी ट्रेड लेना है हमेशा, क्योंकि आपको हमेशा लॉस रिकवर करने के लिए प्रेफरेबल रहना पड़ेगा। और ये फर्स्ट ट्रेड में लॉस में है, बाकी GBP USD के 2 ट्रेड में लॉस में है अभी तक, और ये मुझे निगेटिव रिजल्ट देख के जा रहे हैं। देखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। अभी 5 ट्रेड मेरी चल रही है ऑलरेडी, और लग रहा है ये भी ट्रेड निगेटिव रिजल्ट देंगी, बट वेट एंड वॉच। दोस्तों, अगर मज़ा आ रहा है, दोस्तों अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा यार। ये आपकी एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और देखते हैं भाई क्या होता है, क्योंकि बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट में। अगर ये दोनों ट्रेड प्रॉफिट देती हैं तो कुछ लॉस रिकवर हो सकता है, और मैं आगे ट्रेड लेकर भी लॉस को रिकवर कर लूँगा। बट यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा क्या हो रहा है मार्केट में, और उसके बाद में ही हम कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली वीडियो की ये जो ट्रेड चल रही है, लास्ट ट्रेड है यहाँ पे, थोड़ा आप थोड़ी देर पेशेंस रख लीजिएगा। और दोस्तों, आपको हमेशा एक अच्छी ट्रेड और समझ के सही ट्रेड लेनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि मैंने थोड़ा शुरू में जल्दीबाजी में थोड़ी गलत ट्रेड ओपन कर दी। आपको ऐसा कभी नहीं करना है, और गलत ट्रेड भी नहीं ओपन करनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया था। और अभी देखते हैं कितना टाइम बाकी है ट्रेड को एक्सपायर होने में। बहुत कम टाइम वेट बाकी है, 28 सेकेंड, 29 सेकेंड, 30 सेकेंड, 21 सेकेंड और 32 सेकेंड, यानी कि एक एक सेकेंड्स का हर ट्रेड में अंतर है।
5 सेकेंड तक अगर मार्केट मेरे फेवर में जाती है तो मैं सारी की सारी ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट कर जाऊँगा। बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सारा कुछ अगली कैंडल स्टिक पर मैटर करेगा। और अगली कैंडल स्टिक करीब करीब 40 सेकेंड तक जब पहुँचती है, यानी कि नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचती है, अगर थोड़ा सा और रुक जाए ट्रेड तो ये ट्रेड भी प्रॉफिट हो गई और वो भी, और मैं लगता है कि लास्ट वाले ट्रेड में लॉस कर गया हूँ, बट सारी की सारी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई हैं मेरे ख्याल से। और एक अच्छा जी रेड देखने को, बट मैं एक ट्रेड हार गया हूँ यहाँ पर, एक ट्रेड में लास्ट वाले हार गया यहाँ पर, अदरवाइज मैं सारा का सारा लॉस रिकवर हो जाता। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, बाकी बचा हुआ लॉस मैं रिकवर कर लूँगा। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऐसी मैं अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।